आदेश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। चलो चले अब हे भक्तों, वंदना करेंगे हम, नित्य हम ईश की जय जयकार गाएंगे, नित्य हम ईश की जय जयकार गाएंगे। दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे, दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे, है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। चलो चले अब हे भक्तों, वंदना करेंगे हम, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु येसु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपको भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद दें हमारे जीवन के लिए। प्रभु हम लोगों को आज के दिन और हमारे जीवन को एक तोहफा के रूप में दिया है। ना जाने कितने सारे लोग आज के दिन में ना जाने कितनी सारी योजनाएं बनाई थी, लेकिन उनको आज के दिन को देखने के लिए मौका नहीं मिला। लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु हम लोगों को और एक मौका दिया है, दिन दिया है, ताकि हम उनके साथ समय बिता सके। आइए हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपने आप को जांच कर देखें, टटोल कर देखें कि मेरा जीवन कैसा है, मैं किस प्रकार का जीवन जी रहा हूँ या किस प्रकार का जीवन जी रही हूँ। प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने। प्रभु का वचन कहता है थिसलनी अध्याय 4:3 में, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। प्रभु स्वयं कहते हैं लेविका ग्रंथ में अध्याय 19:2 में, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। लेकिन हम इस पाप में संसार में रहते हुए ना जाने कितने बार प्रभु से दूर चले जाते हैं, सांसारिक मोहमाया में भटकते हैं। आइए हम अपने उस कमजोरियों को, पापों को, गलतियों को एहसास करें और प्रभु के पास लौट कर आए। हम जानते हैं कि हमारे पास केवल एक ही रास्ता है, वो है पश्चाताप का रास्ता। आइए हम पश्चातापी हृदय से उस महान ईश्वर के पास लौट आए। प्रभु कहता है मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा, उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। हमारा ईश्वर क्षमा करने वाला ईश्वर है, प्यार करने वाला ईश्वर है, दया से द्रवित हो जाता है। आइए इस पवित्र मिसा बलिदान में योग्य रीति से, भक्ति भाव से भाग लेने के लिए पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास आए, ताकि हम इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। करना मेरे ईश्वर, मैं तो पापी अज्ञानी है दाता, मुझको माफ
करना मुझको क्षमा करना प्यारे यीशु। मैं तो पापी अज्ञानी है दाता, मुझको क्षमा करना पावन आत्मा। मैं तो पापी अज्ञानी है दाता, मैं तो पापी अज्ञानी है दाता, मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम भक्तों के संकल्प प्रबल बना कि हम निरंतर सत्कार्य में लगे रहें। इसके फलस्वरूप हम तेरे प्रेम और दया के प्रभाव से शारीरिक तथा आध्यात्मिक रूप से सुस्वस्थ होते जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदार बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। पहला पाठ, नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 7, वचन संख्याएं 15-27 तक। मैं बहुत व्याकुल हो उठा और अपने मन के दृश्यों के कारण विस्मित हो गया। मैंने वहां उपस्थित लोगों में से एक के पास जाकर पूछा कि इन सब बातों का अर्थ क्या है, और उसने मुझे समझाते हुए कहा, ये चार विशालकाय पशु चार राज्य हैं जो पृथ्वी पर प्रकट होंगे, किंतु सर्वोच्च प्रभु के संतों को जो राजत्व दिया जाएगा वह अनंत काल तक बना रहेगा। तब मैंने जानना चाहा कि उन चौथे पशु का अर्थ क्या है जो सभी पहले पशुओं से भिन्न था, जो बहुत डरावना था, जो चबाता और खाता जाता था, और जो कुछ रह जाता उसे पैरों तले रौंदता था। मैंने उसके सिर के 10 सिंगों के विषय में जानना चाहा, और उस अन्य सिंग के विषय में भी, जिसके निकलने पर 3 सिंग उखड़ गए, उस सिंग के विषय में जिसकी आँखें थी, जिसका एक डिंग मारने वाला मुंह था और जो दूसरे सिंगों से अधिक बड़ा दिखता था। मैं देख ही रहा था कि वह सिंह संतों से युद्ध कर रहा था और वयोवृद्ध व्यक्ति के आने तक उन पर प्रबल हो रहा था। उसने सर्वोच्च प्रभु के संतों को न्याय दिलाया, और वह समय आया जब संतों ने राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उसने मुझे यह उत्तर दिया, चौथे पशु पृथ्वी पर प्रकट होने वाला चौथा राज्य है, वह अन्य सब राज्यों से भिन्न होगा, वह समस्त पृथ्वी को खा जाएगा और पैरों तले रौंद कर चूर चूर कर देगा। वे 10 सिंह इस राज्य के 10 राजा हैं। उनके बाद एक ऐसे राजा का उदय होगा जो पहले के राजाओं से भिन्न होगा और 3 राजाओं को परास्त कर देगा। वह सर्वोच्च प्रभु के विरुद्ध बोलेगा, सर्वोच्च प्रभु के संतों पर अत्याचार करेगा और वर्षों और पर्वों और प्रथाओं में
परिवर्तन लाने की योजना तैयार करेगा। संत 3.5 वर्ष तक उसके हाथ में दिए जाएंगे। इसके बाद न्याय की कार्यवाही प्रारंभ होगी। राजत्व उससे छीन लिया जाएगा और सदा के लिए उसका सर्वनाश किया जाएगा। तब पृथ्वी भर के सब राज्यों का अधिकार, प्रभुत्व और वैभव सर्वोच्च प्रभु के संतों की प्रजा को प्रदान किया जाएगा। उसका राज्य सदा बना रहेगा और सभी राष्ट्र उसकी सेवा करेंगे और उसके अधीन रहेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मानव जाति प्रभु को धन्य कहे। मानव जाति प्रभु को धन्य कहे। मानव जाति प्रभु को धन्य कहे, उसकी महिमा गाए और निरंतर उसकी स्तुति करे। अनुवाक्य। मानव जाति प्रभु को धन्य कहे। इज़राइल प्रभु को धन्य कहे, उसकी महिमा गाए और निरंतर उसकी स्तुति करे। अनुवाक्य। मानव जाति प्रभु को धन्य कहे। प्रभु के याजक प्रभु को धन्य कहे, उसकी महिमा गाए और निरंतर उसकी स्तुति करे। अनुवाक्य। मानव जाति प्रभु को धन्य कहे। प्रभु के सेवक प्रभु को धन्य कहे, उसकी महिमा गाए और निरंतर उसकी स्तुति करे। अनुवाक्य। मानव जाति प्रभु को धन्य कहे। धर्मियों की आत्माएं प्रभु को धन्य कहे, उसकी स्तुति करे, उसकी महिमा गाए और निरंतर उसकी स्तुति करे। अनुवाक्य। मानव जाति प्रभु को धन्य कहे। भक्त जन और दीन हृदय प्रभु को धन्य कहे, उसकी महिमा गाए और निरंतर उसकी स्तुति करे। अनुवाक्य। मानव जाति प्रभु को धन्य कहे। जय घोष। अल्लेलुया। जगते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़ा होने योग्य बन जाओ। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकोस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 21 पद संख्याएं 34 से 36 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़ा होने योग्य बन जाओ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। स्पर्श करो प्रभु पावन को।
चढ़ाने मेरे प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह पवित्र भेंट कृपा पूर्वक ग्रहण कर। तूने ही इसे चढ़ाने की आज्ञा दी है। हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करें, जिससे हम तेरे प्रिय पुत्र पुत्रियां बने रहें। यही हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेमपूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की बाट जोहते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए एक साथ कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीष्ट प्रभु मर गए, ख्रीष्ट प्रभु जी उठे, ख्रीष्ट प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा
इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हमें हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आवे, किंतु एक शब्द कहिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु आओ मन मंदिर में, बस जाओ मेरे दिल में। प्रभु आओ मन मंदिर में, बस जाओ मेरे दिल में। प्रभु आओ मन मंदिर में, बस जाओ मेरे दिल में। प्रभु जीवन कर दो प्रभु मुझे पावन। तू है प्रभु मेरा जीवन, कर दो प्रभु मुझे पावन। तू है प्रभु मेरा जीवन, कर दो प्रभु मुझे पावन।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने दयापूर्वक हम लोगों को दिव्य भोज में भाग लेने का सौभाग्य प्रदान किया है, ऐसा वर दे कि हम कभी भी तुझसे अलग ना हो जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रीस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। उसने हमारे जीवन में आशा जगाई है। आओ सब जन मिलकर गाए धन्यवाद प्रभु जी। 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 सारे पापों को क्षमा किया, दुर्बलता को दूर किया। सारे पापों को क्षमा किया, दुर्बलता को दूर किया। शांति देकर आत्मा को अनुकंपा से संभाल लिया। शांति देकर आत्मा को अनुकंपा से संभाल लिया। वही हमारे जीवन में प्रेम लाया है। आओ सब जन मिलकर गाए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद।